नौकरी की तलाश। डर क्यों हो गए? क्या नाम बताया था अपना? नायक मुसद्दी लाल बहादुर। देखिए पान के पीछ में डरते हो, नाम बहादुर। बहादुर तो सब नहीं है ना मेरा। और में थे? हाँ। क्या करते थे? वो जो तोप होती है ना। हाँ, वही वाली। कुछ चला देते क्या? नहीं, वो जो तोप जिस ट्रक में आती है ना। ट्रक चला देते? नहीं, वो ट्रक जहाँ पे पार्क किया जाता है ना। हाँ? वो जो गैराज है उसका सिक्योरिटी ऑफिसर था मैं। मतलब वहाँ भी चौकीदार थे? नहीं नहीं, आर्मी में उसे सिक्योरिटी ऑफिसर कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी तो ऐसे पूछ रहे हैं, सब्जी कहाँ मिलेगी? अंदर जाइए, पांडे साहब से मिलिए, वही बताएंगे। ये भाई तो सलूट हमसे ज्यादा अच्छा मारता भाई। बहादुर, पटेल सिक्योरिटी सर्विस इंटरनेशनल का देश में तो क्या विदेश में भी कोई सानी नहीं है। पटेल सिक्योरिटी सर्विस का एक ही नारा है, हर बिल्डिंग का हर गेट हमारा है। हर जगह पीएसएस के सैनिक तैनात। आपको मालूम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला क्यों हुआ? क्यों हुआ सर? क्योंकि वहां पटेल सिक्योरिटी सर्विस के गार्ड तैनात नहीं। अच्छा। पेंटागन पे अटैक क्यों हुआ? क्यों हुआ सर? क्योंकि वहां भी पटेल सिक्योरिटी सर्विस के गार्ड तैनात नहीं। अच्छा। मालूम है व्हाइट हाउस? व्हाइट हाउस पे हमला नहीं हुआ सर। क्योंकि वहाँ पटेल सिक्योरिटी सर्विस के गार्ड तैनात थे। क्या? रामवंश यादव, राधेश्याम वर्मा, गंगू गाउत जैसे सैनिक वहाँ तैनात थे। ओके। आप ये सिक्योरिटी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं? जी हाँ। क्यों? क्यों क्यों मतलब? मतलब ये कि हम हर आदमी को भर्ती नहीं करते हैं, हमें ऐसे गार्ड चाहिए जिनके अंदर चौकीदारी का जज्बा हो, एकाग्रता हो, वॉचमैन की लगन हो। चौकीदारी, वॉचमैन, इसका सिर्फ जज्बा चाहिए, बाकी तो उसके बाद वो सिक्योरिटी वाला बन जाता है। जज्बा तो मेरे अंदर बहुत है सर, चौकीदारी का, सिक्योरिटी का। तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। जी। लाइए 100 रुपया ओनली। जी ये लीजिए। ये लीजिए, आप ही भर दीजिए सर। सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा? जी। कितना? 50 ओनली। 50 ज्यादा है सर, 20 रुपए में फाइनल करते हैं प्लीज सर। ठीक है, आपके जज्बे की कदर करते हैं। बोलिए जी, क्या बोलूं सर? नाम ब्लॉक लेटर में बोलना। नाम ब्लॉक लेटर में बोलूं? अरे यहाँ लिखा है कि ब्लॉक लेटर में भरें। आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा ना। हाँ, आप बताएंगे तो मैं भरूंगा ना। मुसद्दी लाल बहादुर। ओके गुड। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम वो भी ब्लॉक में बोलना सर। जी। अच्छा, मुसद्दी लाल बहादुर सीनियर। माँ का नाम? जी, गोदावरी देवी बहादुर। ओके। चाचा चाची हैं कोई? जी नहीं, ताया है। ओके। ताया का नाम? रद्दी लाल बहादुर। ताई का नाम? नर्मदा देवी बहादुर। मामा मामी भी हैं, उनका भी बताऊं? नहीं नहीं, दो का काफी। उम्र? उम्र किसकी? मेरी, माताजी की, पिताजी की, ताया जी की, ताई जी की। पहले आपकी? पहले मेरी, मतलब बाद में सबकी पूछेंगे। और नहीं तो क्या? मगर क्यों भाई? अरे भाई रूल है। रूल? ये कैसा रूल है भाई? भर्ती तो मुझे होना, ताया ताई को थोड़ा ही होना। अरे कहा ना रूल है, बताना तो पड़ेगा ही आपको। ठीक है, तो मेरी उम्र 44। पिताजी की? 70। माताजी? 78। ताया? 80। ताई? 84। क्या? हमारे यहाँ क्या है, अपने से ज्यादा उम्र की लड़कियों से शादी करने का रिवाज। ओके ओके। पता? जी पता 105/5 शांति नगर। पिताजी का? सेम है। माँ? सेम है। ताया? 20/21 ललन नगर, 28 साथी में रहती है। क्या करते हैं? मैं एक्स सर्विसमैन हूँ। वो तो ठीक है, काम क्या करते हैं? नायक था मैं आर्मी में। पढ़ाई कहाँ तक की है? इंटर तक। बीवी है? जी नहीं। बच्चे? अरे बीवी नहीं तो बच्चे कैसे होंगे? आपका फॉर्म भर गया, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। तीन साइन सेफ्टी के लिए। हाँ जी ठीक है। कल को एक काम करना, एक राशन कार्ड, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, एक गारंटी कार्ड, 6 फोटो और 600 रुपए उषा जी के पास जमा करा देना। एक गारंटी कार्ड क्यों सर? अरे गारंटी वाला लिख के देगा ना कि तुम चोर उचक्के नहीं हो, शरीफ आदमी हो। लेकिन चिंता मत करो, 100 रुपए हमें दे देना, हम बना देंगे। चल ठीक है। और वो 6 फोटो? 6 नहीं, 2 तुम्हारी लगेंगी, 1-1 तुम्हारे माँ बाप की, 1-1 तुम्हारे ताया ताई की, और अटेस्ट करवा के लाना कि तुमने इसमें जो लिखा है वो सब सही है। अरे इतनी फॉर्मेलिटी तो आर्मी में भर्ती होने में नहीं हुई थी। आर्मी नहीं है ये पटेल सिक्योरिटी सर्विस इंटरनेशनल है। हमारे गार्ड बुश से लेकर वाजपेयी तक के पीछे पड़े ताकि वो हमको अपना गार्ड बना सके। सर लेकिन मैं अटेस्ट कहाँ से कराऊं? कोई बात नहीं, 100 रुपए हमें दे देना, वो भी हम ही कर देंगे। और वो 600 रुपए? 600? अरे पीएसएस की ड्रेस बनेगी तुम्हारी। अच्छा, तो मतलब मेरी नौकरी पक्की? अभी कहा, अभी तो तुम्हारा मैनर्स टेस्ट होगा। क्या होता है मैडम? देखेंगे तुम्हें कितनी तमीज है। वो क्यों? देखो
कल को अगर तुम अटल बिहारी वाजपेयी जी या अमिताभ बच्चन या ऐश्वर्या राय या धीरूभाई अंबानी के जैसे बड़े बड़े लोगों के यहाँ अगर सिक्योरिटी ऑफिसर लग गए, तो इतने बड़े बड़े लोगों के यहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है उनको कुछ मैनर्स तो आने चाहिए ना। यही तो, इसलिए ये मैनर्स का टेस्ट पास करने के लिए 10 पॉइंट की जरूरत है। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, कुछ बातें करूंगी, अच्छे मैनर पे +1 दूंगी, गंदे मैनर पे -1 दूंगी। जी -1 जी? हाँ, मैंने कहा दूंगी तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए था ना। जब भी कोई कुछ देता है तो थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू। -2 जी। अब तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए था, उसकी जगह पे तुम थैंक यू बोल रहे हो। सॉरी। ठीक है, +1 चाय पियो। जी। -3 जी। जब भी कोई बोलता है चाय पियो तो सामने वाले को पूछना चाहिए आप चाय पियेंगे। देख, कल को अगर तुम गेट के बाहर बैठे चाय पी रहे हो और वहां से अमिताभ जी निकले, तो अगर तुमने उनको ऑफर ना की तो उनको बुरा नहीं लगेगा। जी जी, आप चाय लेंगे? जी। -4 जी। ऐसे घूरते नहीं। देखो, अगर कल तुम गेट के बाहर बैठे हो और धीरूभाई अंबानी कुछ खा रहे हैं और तुम्हें घूर घूर कर उन्हें देख रहे हो तो उनका पेट खराब नहीं हो जाएगा? जी। -5 जी। अभी घूर ही लिया है तो सॉरी बोलना चाहिए था ना। तुम जी जी क्या करते रहो? सॉरी। अब क्या करूं क्या मैडम? -10 जी। फेल फेल फेल। क्यों क्यों? कब से तुम्हारे सामने बैठी औरत सब्जी काट रही है और तुम सिर्फ शक्ल देखते रहे हो? तो मैं क्या करूं? कल को अगर ऐश्वर्या राय बालकनी में बैठ के सब्जी काटे और तुम सिर्फ उसे देखते रहो तो क्या अच्छा लगेगा? तो क्या करूं मैडम? नहीं ना, तो उसे छीन लो, छीन के काटो। अच्छा, ऐसे मैडम? यही तो, ऐसे काटो काटो। मैं कुछ करती हूँ तुम्हारा। वेरी गुड वेरी गुड। +10 थैंक यू मैडम। सीधे खड़े हो, सीधे। जी। 5 फुट 5 इंच बस। जी। पटेल सिक्योरिटी सर्विस में तुम भर्ती नहीं हो सकते। क्यों सर? हाइट का प्रॉब्लम है भाई। मैं आर्मी में था सर। आर्मी की बात मत करना, समझे? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अमिताभ बच्चन क्या तो तुम्हारे को सिक्योरिटी में लगवा नहीं सकते? इतने लंबे आदमी की सिक्योरिटी कैसे करोगे तुम? और गोविंदा क्या वैसे नहीं लगवा सकते? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, 1 इंच ज्यादा हो तुम उससे। लेकिन सर फिर भी ऐसा मत कहिए, अब तो वर्दी बन भी चुकी है ना सर। नहीं नहीं नहीं, बहुत प्रॉब्लम है, कुछ सोचना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है गोल चौक कहाँ है? जी हाँ, वो जो गोल है ना। नहीं नहीं नहीं, 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 चौकोर वाला गोल चौक। जी हाँ, मालूम है। गेंदा मल हलवाई बैठता है वहाँ पर। हाँ हाँ, बहुत अच्छे समोसे और कचौरी बनाता है सर। बस दौड़ के जाओ, दौड़ के आओ। सर ये गया और वो आया सर। अरे यार, खाली पेट तो दिमाग भी काम नहीं करता। शुक्ला जी, शुक्ला जी। जी सर। इधर आओ यार, जरा पान तो खिलाओ। पान? क्या बहुत भूख लगी है यार। लेकिन सर पान से पेट थोड़ी भरता है। पता है, लेकिन खाने की चीज है ना, इसलिए खिला दो। लीजिए। ये बात है ना। बढ़िया सर। अरे बड़ी जल्दी आ गए तुम। जी सर, मैं आर्मी में था सर। लाओ लाओ लाओ। क्या सर? कचौरी समोसे। कहाँ है सर? नहीं नहीं सर। अरे तो फिर क्या करने गए थे तुम? तो आपने समोसे लेने भेजा था सर। और नहीं तो क्या, तुम्हारी स्पीड चेक करने के लिए भेजा था? बोलना चाहिए था सर। भर्ती कैंसिल। नहीं नहीं, बोलना चाहिए था सर। अरे यार, कैसे बनोगे तुम सिक्योरिटी ऑफिसर? सिक्योरिटी ऑफिसर वो होता है कि मालिक बोले कि जा सब्जी मंडी, तो वो सब्जी खरीद के लाए, और तुम होगी मैं ये गया और वो आया सर। जा सब्जी मंडी आया, गेंदा वाला हलवाई सर। हलवाई कचौरी समोसे, अब जाओ। ओके सर। हाँ, एक अच्छा सिक्योरिटी ऑफिसर बनने के लिए दूसरों की हेल्प करना बहुत जरूरी है, और तुमने ये कचौरी समोसे लाके जो मेरी हेल्प की है वो बेमिसाल है। के बेटा, थैंक यू। इसीलिए तुमको फिट करने की बात सोच रहे हैं। हालांकि हाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें जैकी चैन का सिक्योरिटी ऑफिसर बनाने की बात चल रही है। जैकी चैन सर? वही जो हवा में उड़ के लात मारता है सर। भाई तुम्हारी हाइट वाले चाइना और जापान में फिट होंगे। हाँ, एक प्रॉब्लम है, तुम भागते बहुत तेज हो, थोड़ा धीरे भागने की प्रैक्टिस करो। क्यों सर? अरे भाई कहीं चोरी वोरी करके भागो तो कम से कम हम पकड़ तो सके। मैं चोरी नहीं करता सर। नहीं नहीं, फॉर सेफ्टी सेक बोल रहा हूँ, कभी कर बैठो तो धीरे भागना। ओके बाकी ओके जी, तो मेरा सिलेक्शन हो गया सर। हाँ थैंक यू सर। नहीं नहीं नहीं,
अभी पटेल साहब के पास 1000 रुपए सिक्योरिटी जमा करो, उसके बाद बोलना। सिक्योरिटी वो किस लिए सर? सिक्योरिटी तुम्हें सिक्योरिटी ऑफिसर बनाने के लिए मांग रहे हैं। 1000 रुपए बहुत ज्यादा है सर। ज्यादा कहाँ है, तुम्हें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जॉब दिलाएंगे, ये PSS का काम है, पर उसके लिए सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी ना। कुछ कम कर दीजिए सर। कम कराने की बात मत कीजिए, वरना दो बातें हो जाएगी, या तो छोटे लोगों की सिक्योरिटी करोगे या तो बड़े लोगों की सिक्योरिटी करोगे। छोटे लोगों की तो छोटे रहोगे और बड़े लोगों की तो दो बातें होगी, या तो खुद छोटे आदमी बनोगे या तो बड़े आदमी बनोगे। छोटे आदमी बने तो ठीक, मगर बड़े आदमी बने तो दो बातें होगी, या तो तुम्हारे लिए सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी या तो नहीं पड़ेगी। नहीं कैसे पड़ेगी, और पड़ेगी तो भाई उसी के लिए तो 1000 मांग रहे हैं। तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए ही ये 1000 रुपए काम आएंगे। हमें कुछ नहीं देना है तो ना दो। नहीं सर, आप हमारे बारे में सोच रहे हैं सर, मैं कल ला के देता हूँ सर। ठीक है, तो परसों से ट्रेनिंग शुरू हो जाए। अरे ऐसे सर उठोए मारते वो कर मारते ऐसे बंद सीधा एटंदर सीधा बाहर ऐसे यहाँ करके करके दिखाओ ऐसे ये कोनी 90 डिग्री के एंगल पे रहनी चाहिए बॉडी से, बॉडी तीर की तरह सीधी। अच्छा एक बार बताओ, प्रोग्राम 20 ग्राम के बारे में जानते हो? परफेक्ट जानता हूँ। सार्थक बेशरम बाबा बाबा भाइयों आपसे मुठड्डी लाल बहादुर आपको करके बताएंगे। 100 ग्राम 20 ग्राम करके दिखाओ। 100 ग्राम 20 ग्राम नहीं, सावधान बेश्रम। जब बाहर निकल जाए तो कैसे करोगे? तो सावधान आप चले जाए तो बेश्रम। वाह गुरु, तो मुझे करके क्या दिखा रहे, उनको करके बताओ ना। कराओ कराओ सर। सावधान बेश्रम सावधान बेश्रम सावधान बेश्रम सावधान। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, पैसे भी दे दिए हैं, वर्दी भी मिल गई है, ट्रेनिंग भी हासिल कर ली है, और मैं ट्रेनिंग दे भी रहा हूँ, और यहाँ सिक्योरिटी के ऑफिस की सिक्योरिटी भी कर रहा हूँ, नौकरी नहीं मिल रही है। मैं तो यहाँ 2 महीने से हूँ। अच्छा, चक्कर क्या है? सुनो कायदे में रहना, वहाँ तभी फायदे में रहोगे, वहाँ नाम मत खराब करना PSS का। लो भाई, राम नरेश तक को नौकरी मिल गई है, हमें क्यों नहीं मिल रही? ये फील्ड ऑफिसर पैसे खाता है तब नौकरी दिलवाता है। अच्छा, ये पता मुझे तुम बता ही दो कि वो तुम्हें किसने बोला? किसने बोला जी? कोई नहीं बोला। नहीं, आप तुम बताओ मुझे कौन बोला जी? वो बोलो बोलो कौन बोला? अच्छा गलती हो गई, आप पैसे नहीं खाते बस। ये किसने बोला जी कि हम पैसे नहीं खाते? जी मैं कह रहा हूँ कि आप पैसे नहीं खाते बस। जा बेटा, तेरी नौकरी का तो बंटा था जी। हाँ, गुमराह करते हैं लोगों को कि हम पैसे नहीं खाते, हम घूस नहीं खाते। अरे हम बचपन से घूसखोर हैं क्या? हाँ तो ठीक है ना, पैसे खाइए और नौकरी दिलवाइए। मिल गई 3000 रुपए महीना और 2 टाइम का चाय फ्री। थैंक यू। और सुनो, पहले महीने की तनख्वाह में से 2000 जी। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। यह अग्रीमेंट है, यहां साइन करो जी। इधर 2500 रुपए सर जी। पर शुक्ला जी ने तो कहा था 3000 रुपए होंगे। है तो 3000 पर 500 हमारा कमीशन। क्या सर जी? क्या है, आप जैसे लोगों को नौकरी पर रखते हैं तो थोड़ा बहुत हक तो हमारा भी बनता है। साइन करते हो या बाहर मुलायम सिंह खड़ा है उसे बुला लूं? साइन करता हूं सर। ओके। सुमन अपार्टमेंट में तुम्हारी 9 से 6 की ड्यूटी रहेगी। ओके जी सर। ये सर जापान में है सर, चीन में है सर? भिंडी बाजार में। फील्ड ऑफिसर शुक्ला जी कहां है? क्यों, क्या हुआ? मैं उस सुमन अपार्टमेंट में काम नहीं करना चाहता। क्यों भाई? अरे मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, उन्होंने तो मुझे नौकर बना दिया है। कोई कहता है सब्जी लेके आओ, कोई कहता है ब्रेड और अंडे लेके आओ, कोई कहता है कार धुलवाओ, और कोई कहता है ये कपड़े धो दो मेरे। मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, वहां चाइना भेजने वाले थे, यहाँ तो चूना भट्टी भी नहीं मिली। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा ट्रांसफर करा देते हैं। उषा जी जी, कोई नाइट शिफ्ट खाली है क्या? हाँ, रंगीला बियर बार फुल नाइट चलता है, चलेगा क्या? हाँ हाँ चलेगा, सुमन अपार्टमेंट की औरतों से तो पीछा छूटेगा मेरा। जाइए, अब शिकायत मत करिएगा सर। उषा जी, बैंक में सिक्योरिटी ऑफिसर की डिमांड है, किसे भेजें? किसी समझदार आदमी को। हाँ, थोड़ा ईमानदार हो। यही तो, नाम खराब नहीं होना चाहिए PSS का। लेकिन कौन है ईमानदार दिखने? मैं नहीं करूंगा। तुम्हें भेज कौन रहा है? कहाँ? बैंक में। बैंक में? बैंक में नहीं, मैं तो बियर बार की बात कर रहा हूँ। कमाल के सिक्योरिटी ऑफिसर हो, यहाँ काम नहीं करूंगा वहां काम नहीं करूंगा तो कहाँ काम करोगे?
देखिए पांडे जी, मैं एक्स आर्मी मैन हूं, आपने मुझे वॉचमैन बना दिया। जापान और चीन भेजने की बात थी, नहीं भेजा। अमिताभ बच्चन, बुश, वाजपेयी, गोविंदा, ऐश्वर्या राय, इन सबके सपने दिखाए मगर भेज दिया वहां बियर बार में। अरे वहां तो एक आदमी नशे में आके कहता है जा मेरे लिए सिगरेट लेके आ, और दूसरा ऊपर ही आके गिर जाता है, और तीसरा नशे में कहता है लड़की। अरे मैं इतना नहीं गिर सकता, आप चाहो तो मुझे नौकरी से निकाल दो मगर बियर बार मत दो। देखो देखो देखो, रोना मत उषा जी, बैंक में इनको अपॉइंट करते। बैंक? खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे वे लूट तो नहीं लेगा वे। भाटिया जी, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, लूट सकता हूँ, लूटूंगा नहीं। तो फिर कल से लेना बैंक में ड्यूटी, आप भरोसा रखें। ओ नो, उषा जी, भाटिया, क्या भाटिया जी, क्या 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 हुआ सर? लेना बैंक लूट लिया गया। कहा? कैसे सर? पर अपना सिक्योरिटी वाला था ना वहाँ पे। था? कौन था? मुसद्दी लाल बहादुर, कहीं उसे ने तो नहीं लूट लिया? मैं लूट सकता हूँ सर, लूट नहीं सकता हूँ सर। पता है बैंक लूट लिया गया है? पता है सर। क्या? अरे भाई, तो तू ड्यूटी पर नहीं था? मैं ड्यूटी पे था सर। तो कैसे लूटा? तो ट्रेनिंग फॉलो नहीं की थी क्या? पूरी तरह से फॉलो की है मैडम। तो फिर कैसे लूटा? क्या है सर, रात के 3 बजे का टाइम था, मुझे थोड़ी नींद आ रही थी, मैंने सोचा चाय बना लेता हूँ। इतने में एक आदमी वहाँ पे आया, मैंने सावधानों को उस आदमी को सैल्यूट किया था। शुक्ला जी, वंडरफुल ट्रेनिंग। उसके बाद उस आदमी से मैंने पूछा, तुम चाय पियोगे? मैंने पूछा जी। हाँ, पूछना तो चाहिए था। उसके बाद मैंने उस आदमी को चाय पिलाई, वो आदमी बिल्डिंग के अंदर चला गया, अंदर से थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकला, उसके हाथ में भारी भारी थैले थे, एक थैला उसमें से गिर गया। उस आदमी ने मुझसे कहा हेल्प कर दो मेरी, मैं गया, मैंने उस आदमी के थैले उठाए और बाहर तक पहुंचा दिया, उसकी हेल्प की। क्यों भागे? अब हेल्प तो करनी चाहिए थी पर सर। उसके बाद थोड़ी देर बाद बिल्डिंग के अंदर से एक आदमी बाहर निकला, कहने लगा बैंक लूट गया है, बैंक लूट गया है। मैंने उससे पूछा सर बैंक किसने लूटा है? उसने कहा उसी आदमी ने जो भारी भारी थैले लेके चला गया। I knew it. तुमने उस पर शक क्यों नहीं किया? उसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई सर। उसका नाम पता एंटर नहीं किया? उसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई सर। अरे भाई, जब पता चल गया था कि वो चोर है तो उसके पीछे तो भागना चाहिए था। मैं उसके पीछे भागा था सर। तो फिर पकड़ा क्यों नहीं? बस मैं उसको पकड़ने वाला था, पर जरा सा आगे रह गया था वो, पर वो थोड़ा थोड़ा तेज भाग गया। तो और तेज नहीं दौड़ सकते थे? हमें आहिस्ता दौड़ने की ट्रेनिंग दी गई है सर। क्या? अगला अपॉइंटमेंट कहाँ है सर?